हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दिन के 11 बजे से। आज मैं स्नेहा को दिखा रही हूँ अपना ब्यूटी प्रोडक्ट क्या क्या सामान है मेरे पास। ये कड़े वड़े सब दिखा रही हूँ, पूरा तामझाम निकाल रखा है। क्या क्या है मैं सब आपको भी दिखाती हूँ अभी। तो ये है नथ, हमारी पहाड़ी परम्परा का वो गहना। वैसे तो ये नकली है, पर मैं यहाँ करवा चौथ पे पहनने के लिए लाए हूँ। सोने का तो घर से क्या ही लाए, एक दिन पहनने के लिए, डर भी रहता है गोल्ड के साथ। और ये है पायल, कभी कभार पहन लेते हैं, ये बहुत बड़े हैं, चांदी के नहीं है, ये नकली है। और ये बिंदी सिंदी सब, ज़्यादा मेकअप का सामान तो मैं रखती हूँ नहीं, मेकअप कुछ लगाते हैं नहीं। एक ये फाउंडेशन क्रीम है मेरी, ये भी 3-4 महीने से यूज नहीं किया मैंने इसको। और ये बिंदी, और इसमें है मेरी दवाइयाँ, कभी पेन किलर वेन किलर। और ये तो मैं यूज ही किया। और ये कड़े हैं, देखिए ये मैंने बिल्कुल यूज भी नहीं किए हैं, जो कि मैं दे रही हूँ स्नेहा की मम्मी के लिए गिफ्ट के तौर पे, अपनी दीदी के लिए। और ये लिपस्टिक भी मैं स्नेहा को दे देती हूँ। और ये है हार, जो कि मैंने मुंबई से मंगवाया था अपनी बुआ की बेटी से, अपने भाई की शादी के लिए। काफ़ी अच्छा है ये, गोल्ड जैसा लग रहा है, तो कभी कभार पहन लूँगी मैं इसको, अभी रख देती हूँ ऐसे ही। तो मैं स्नेहा को दिखा रही हूँ पूरा। और ये रहा मेरा पुराना गुल्लक, जिसमें चाबी वाबी सब टूट चुकी है, मैंने इसमें लक्की और पार्थ का नाम भी लिखा हुआ है। अब इसको करूँगी मैं यूज, पैसे रखने के लिए। और ये है एक खाली वाला भी, ये देखो ये है ग्लोबंद, हमारे पहाड़ी पहाड़ में पहना जाता है आजकल, तो सब पहनने लगे हैं। इसको भी मैं खास तौर पे करवा चौथ के लिए लाई हूँ, एक दो बार पहन लिया है मैंने इसको, एकदम पता ही नहीं चलता गोल्ड का है या नकली है। और एक ये है, देखिए ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, नकली पहन लेते हैं, गोल्ड का तो फैशन आते रहता है, कौन बनाएगा बार बार, इतना पैसा किसके पास है। तो ये दो ही है मेरे पास, ये तो खाली है ना। आज हमने बनाया है लंच में कढ़ी चावल, जो कि है घर के मट्ठे की, ये पार्थ का। अब हम फटाफट से लंच कर लेते हैं। और कड़ी चावल के साथ ही मैंने थोड़े उड़द दाल के पापड़ भी तल लिए हैं, कब से रखे थे याद ही नहीं रहती मैं खाने की। तो मैं अभी बच्चों को और स्नेहा को लेके आती हूँ, वो खा लेंगे, फिर मैं खाना शुरू करूँगी। ये देखो स्नेहा ने मुंह में जगी लगा रखा है, ये हो रहा है इनका लंच जेठालाल देखते हुए। चलो पापड़ भी खा लो, दीदी को भी देना, तीनों मिल के खाओ। ये पार्थ को देखो, स्नेहा को मार मार के हलवा बना दिया इसने, इसने अभी क्रिस का वेस्ट पहना है, तो ये पहलवानों वाली फीलिंग आ रही है इसको। नहीं लक्की को मन क्रिस को, ये पार्थ को आया क्रिस का बेस्ट बहन के पहलवानों की वाली फील। हमारा इंतजार हुआ खत्म, दूध वाले भैया आ चुके हैं, दूध ले लिए हमने, अब हम दूध गर्म करके फिर सो जाएंगे। और देखो इसकी लड़ाई, देखो इतना बिगड़ रहा है ना आजकल ये। और लक्की को देखो अपनी किट्टी के साथ खेल रहा है, ये देखो इनकी हाल। और अभी हम देख रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो फटाफट से दूध गर्म करके फिर मैं भी टीवी देखती हूँ, फिर सो जाते हैं। तो मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ शाम के 6:30 बजे से। हम अभी अभी पार्क से आए हैं, तो बच्चों को पार्क से आने के बाद कुछ ना कुछ खाने की आदत है, तो मैं पापड़ सेक रही हूँ। ये है आलू के पापड़, ये मिक्स वाले हैं, और ये आलू की सब्जी भी मैंने काट ली है। और तेल गर्म हो चुका है, फटाफट से मैं बच्चों के लिए पापड़ तल देती हूँ।
तो पहले मैं तलती हूँ आलू वाले। इस प्रकार से मैं सारे तल लूंगी। मैंने बच्चों को पापड़ देने हैं। पापड़ हो चुके हैं रेडी और ये सब्जी भी मैंने लगा ली है। अब मैं गूंथ लेती हूँ फटाफट से आटा। तो सब्जी बनते बनते आधे में ही हमारा सिलेंडर हो चुका है खत्म। अब मैं इसको लगा लेती हूँ, फिर बनाती हूँ रोटी। एक सिलेंडर नहीं उठा पा रहे हैं दो लोग, क्या बात है। सील खोल दो। अब खाना वाना खा के हम हैं सोने की तैयारी में। आजकल हम नीचे सो रहे हैं क्योंकि बेड में, सिंगल बेड में तीन लोगों के लिए बहुत गर्म टाइप का हो जाता है। तो अब हम ब्लॉग को यही एंड करते हैं। बाय, गुड नाइट।